बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय फ्री वेब डेवलपमेंट सेशन। दिस इज़ अ वीकली सेशन विच इज़ कंडक्टेड ऑन एवरी सैटरडे बिटवीन 10 पीएम टू 12 एएम। दिस सेशन इज़ मेनली इन उर्दू और हिंदी, बट यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश और पंजाबी। सो आई विल कंटिन्यू फर्दर सेशन इन उर्दू और हिंदी लैंग्वेज। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अभी हम बाकायदा सेशन का आगाज़ करते हैं और जैसे कि हमारा मामूल है कि हम W3 स्कूल से हम ये सेशन की रिकॉर्डिंग करते हैं, वहाँ से कंटेंट हम रीड करते हैं और ये हमारे पास जो लास्ट टाइम स्टैम्प है इसको मैं ख़त्म करता हूँ ताकि आज की टाइम स्टैम्प नई बने। और ये हमारा लास्ट टाइम हमने इस पे काम किया था, इसमें पेज को ओपन करता हूँ और ये नेक्स्ट स्लॉट्स में मैं सेव करता हूँ चीज़ें जो हमारी नेक्स्ट अभी ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह होगी और उसके चीज़ें जो होंगी। तो मुझे कुछ मैसेज भी आए हैं व्हाट्सएप पे, शायद इसी के मुतलका हैं, मैं एक नज़र देख लूँ। ये व्हाट्सएप पर मुझे पूछ रहे हैं, ये सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप ऊपर जो मैसेज है उसमें एक गूगल मीट का लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन है कोई आंसर है क्वेश्चन कर सकते हैं और आंसर आपको मिल सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो ये मैंने सेशन इसमें रिप्लाई किया है जो हमारा व्हाट्सएप का फ्री वेब डेवलपमेंट का जो ग्रुप है उसमें। तो फॉर्म्स को अभी हमने स्टार्ट किया है, बिल्कुल हमारे ये शुरू में ही हमारे ये सेशन है, जिस तरह के हम अभी HTML कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर आगे CSS करेंगे, फिर JavaScript और PHP और फिर इसी तरह फर्दर और चीज़ें करते रहेंगे। तो लास्ट टाइम हमने ये फॉर्म इसके बारे में पढ़ा था, ये स्पेशली आपने वेब ऐप बनानी है तो उसमें फॉर्म्स का बहुत ज़्यादा किरदार है, क्योंकि आपके ये जो प्रोसेस है फॉर्म आपका फिल होना, वैल्यूज़ डेटाबेस में इंसर्ट होना, फिर आगे आप रिपोर्ट्स में उन वैल्यूज़ को देख सकते हैं, ये काम बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए ये फॉर्म जो है वो बहुत अहम एक टॉपिक था। तो इसमें अभी हम मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ और इसका लिंक भी लगा देता हूँ, बाद में ये जब YouTube की वीडियो अपलोड होगी तो उसकी ये डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं टाइम देखता हूँ कि टाइम कितना हुआ है ताकि उस हिसाब से मैं यहाँ पे मार्क करूँ। ये तकरीबन 4:45 मैं समझ लूँ सेकंड्स, 4:45, ये तकरीबन इंट्रो में तकरीबन पहले 5 मिनट अमूमन हमारे इसी तरह के इंट्रो और ये इसमें लग जाते हैं। तो
अभी हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जिस तरह हमने फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, तो उसमें हमारे पास इनपुट मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं, और इसमें अच्छी बात यह है कि आप जिस तरह ऑलमोस्ट GUI आप अपनी क्रिएट करते हैं फॉर्म्स की, वो आपके पास कंट्रोल्स जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। स्पेशली जो HTML5 है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इस तरह देखें, आपकी इनपुट बटन हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, कलर सिलेक्शन आपने लेनी है वो ले सकते हैं, डेट और ईमेल ले सकते हैं, अगर फाइल अपलोड करनी है उसके लिए फाइल कंट्रोल है, और कुछ पैरामीटर्स आपने पास करने होते हैं सर्वर पे, तो उसको हम हिडन टाइप में इनपुट में डाल देते हैं। तो वो ये है कि फ्रंट पे तो नज़र नहीं आती, लेकिन जब फॉर्म सबमिट होता है तो ये वैल्यूज़ उसके साथ जाती हैं। कुछ जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो आप भेजना चाहते हैं और जो यूज़र है उसको दिखाना नहीं चाहते। तो बहरहाल इसमें यह है कि सिक्योरिटी वाइज तो ये बहुत कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि अगर वो सोर्स कोड इस पे देखे तो यूज़र उसको देख सकता है कि कौन सी हिडन वैल्यूज़ जा रही हैं। तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप सेशन मेंटेन करें, वो ज़्यादा अच्छा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऊपर हम देख सकते हैं कि फ़ाइल आप अपलोड कर सकते हैं, फिर इसी तरह डेट टाइम पासवर्ड का फील्ड है, इसमें यह है कि इस डायरेक्ट लिखे हुए आ जाते हैं, रेडियो बटन रेंज, अगर आपने फॉर्म जो फिल किया हुआ है उसको चाहते हैं कि वैल्यूज़ अपनी इनिशियल हालत पे आ जाएं, तो उसको रीसेट का बटन आप बना सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो वैल्यूज़ जो आपने टाइप की हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो भी हैं वो आ जाएंगी। इसी तरह ये बहुत बहुत सारे और भी हैं, हम इसमें वन बाई वन चेक करते हैं। ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, और मैं यहाँ पर कंफर्म कर लूँ कि फ़ाइल भी क्रिएट हो रही है, जो कि अभी सेशन ये रिकॉर्ड हो रहा है उसकी फ़ाइल बन रही है और ये रिकॉर्डिंग उसमें जा रही है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, बाकी चीज़ें इसमें जो हमने पढ़ी हुई हैं तो उसको हम स्किप करते जाएंगे। तो वो अगर आप करना चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं पुरानी वीडियोस, तो वो आप YouTube पर हमारा चैनल पे प्लेलिस्ट है उस पे आप आके देख सकते हैं। अगर पुरानी वीडियोस को आप फॉलो करेंगे तो आपको ये फिर अभी जो सेशन चल रहा है इसकी आपको बेहतर तौर पर समझ आएगी। अदरवाइज़ ये होगा कि आपको कुछ बातें समझ आएंगी कुछ नहीं आएंगी। तो यहाँ पे ये हमारी प्लेलिस्ट है फ्री वेब डेवलपमेंट, तो इसमें आप पहले लेसन से स्टार्ट करें और यहाँ तक जो रिकॉर्डिंग्स हैं यहाँ पे आएँ, तो फिर आपको ये कुछ बेहतर तौर पर समझ आएगी। इसलिए क्योंकि मैं फिर पुरानी चीज़ें अगर बार बार रिपीट करूँगा तो फिर मज़ीद देर लगेगी। तो यहाँ पे जिस तरह के इनपुट हमारी एक टेक्स है, दूसरी भी टेक्स है, और साथ में लेबल है, और इनमें दोनों में हमने IDs दी हुई हैं जिसकी बेस पे लेबल उसके साथ अटैच हो जाता है। तो लेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब भी हमारा कंट्रोल इनपुट के अंदर ही जाएगा। तो ये सिंपल टेक्स फील्ड्स हैं, इसमें कुछ ख़ास नहीं है, इसको मैं स्किप करता हूँ। और यहाँ पे अभी पासवर्ड फील्ड जो है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं, आपने लॉगिन पेज बनाना है तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड आप स्टोर करते हैं, पेज पे लेते हैं, और फिर आगे आप डेटाबेस के साथ कंपेयर करते हैं, अगर साइन अप हो रहा है तो डेटाबेस में स्टोर भी करते हैं। तो लॉगिन के प्रोसेस में तो आप उससे कंपेयर करते हैं पासवर्ड जो आपके अब सेव हुआ है। तो अमूमन जो है वो पासवर्ड हमारा जो सेव हम करते हैं वो हैशेस की फॉर्म में सेव करते हैं, ताकि अगर डेटाबेस कंप्रोमाइज़ हो भी जाए तो एक्चुअल पासवर्ड्स लोगों को जो हैकर है उसको ना पता लग सकें। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हम टाइप करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल टाइप हो रहा है, और यहाँ पे मैं ABC टाइप कर रहा हूँ तो उसकी जगह ये सर्कल से डॉट से आ रहे हैं, लेकिन ये कि इसको सबमिट करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज़, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड होता है, अगर फॉर्म में हम मेंशन नहीं करते इसका मेथड कौन सा है तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड होता है। तो ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी आपको पोस्ट मेथड में होती है, क्योंकि इसमें जैसे ये पासवर्ड जब सबमिट होगा तो ऊपर URL में इसी तरह ये नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह की चीज़ें हों तो फिर बेहतर है कि आप पोस्ट मेथड
का इस्तेमाल करें। तो आगे हम चाहते हैं, तो आपको कुछ कंट्रोल्स चाहिए होते हैं, जैसे इनपुट है, जौन से भी फॉर्म आपके इनपुट की इस्तेमाल करते हैं, और आपको एक सबमिट बटन चाहिए होता है। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो तभी ये वैल्यू सर्वर पे सबमिट होंगी, और फिर सर्वर उसको कुछ भी प्रोसेस कर सकता है, डेटाबेस में स्टोर कर सकता है। तो अगर हम इसमें वैल्यू नहीं देते यहाँ पे जिस तरह, तो बाय डिफॉल्ट ये सबमिट लिखा हुआ आता है। तो ऊपर जो हमने एग्जांपल देखी है, यहाँ पे इन्होंने खुद वैल्यू दी हुई थी सबमिट। आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं, सेंड या समथिंग एल्स। तो अभी यहाँ पे इसकी हम रीसेट की डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने देखें कि ये जो इनपुट है इसमें भी वैल्यू इन्होंने दी है और इसको भी दी है। तो आप जिस तरह, मैं अगर फॉर्म फिल कर रहा हूँ और हो सकता है मेरे पास कुछ प्रिंटेड रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं जिसको मैं टाइप कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैंने कोई गलत रिकॉर्ड टाइप कर दिया है। तो मैं इसको रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी जो पहले से इसके अंदर थी। तो यहाँ पे तो खैर ये सिंपल सा सिनेरियो है, लेकिन अगर आपका फॉर्म कम्प्लेक्स है और उसमें वैल्यूज़ इस तरह की हैं कि जो जिनकी अहमियत है, तो फिर ये रीसेट वाली ऑप्शन अहम हो जाती है कि एक यूज़र ने टाइप वगैरह किया लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि उसने कुछ गलती की है, क्या किया है, तो रीसेट पे क्लिक करेगा तो ओरिजिनल जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। से मैं क्लोज करता हूँ। और अभी हम देखते हैं कि इसमें आप में से रेडियो कंट्रोल जो है उसको देखते हैं, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। और इसमें से कुछ चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो ठीक है हम उसको जल्दी जल्दी ही इसको गो थ्रू करते हैं। फिर जिन जिन चीज़ों पे ज़्यादा वक्त लगाने की, टाइम देने की ज़रूरत है, उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप जो मेन चीज़ देखें, जो फ़र्क आ रहा है वो यहाँ पे टाइप का एक फ़र्क आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे देखें कि हमने ये एक वेरिएबल, इसका एक ये इनपुट बनाई है और इसका नाम हमने जेंडर रखा है, और दूसरी इनपुट बनाई है उसका नाम भी जेंडर रखा है। तो इसमें जो रेडियो बटन्स हैं, इसमें अहम बात यह है कि आपने नेम सबके ये सेम रखने होंगे। तो इसमें से कोई एक चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो नाम अलग अलग अगर हुए तो फिर ये चीज़ नहीं हो सकती। तो अलग अलग नाम रखने की ज़रूरत पड़ जाती है अगर आपके फॉर्म के ऊपर एक से ज़्यादा रेडियो बटन्स हैं मुख्तलिफ टाइप के। जैसे यहाँ पे जेंडर की वैल्यू ले रहे हैं, हो सकता है किसी और चीज़ की ले रहे हो, तो फिर उसका नाम आप अलग रखेंगे तो वो सिलेक्शन वहीं पे काम करेगी। तो अभी कुछ सिनेरियो तो इतना ख़ास नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही ये टेक्स्ट कॉपी करके आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन इसकी बता देता हूँ, जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी यहाँ पे तो कोई सेंस वैसे नहीं बन रही इसकी जेंडर टू लिखूँ, लेकिन हो सकता है कि अगर एक सिनेरियो हो कि जिस टू फ्रेंड्स हैं तो उसमें वो जेंडर दोनों की अलग अलग लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी मैं टू टू लिख देता हूँ ताकि वो लेबल पे अगर क्लिक करेंगे तो वही वैली वैल्यू दूसरी वाली सिलेक्ट होगी, ना कि ऊपर वाली होनी शुरू हो जाएगी। इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे इसको फिर आपने रन पे क्लिक करना है, तब ये यहाँ पे आपको विजिबल होगा। तो देखिए अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसके कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, और वहाँ पे कर रहा तो इसके कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम गलती से ये इसी को रहने दें तो इसके लिए फिर ये होगा कि ये सारे एक ही नाम के हैं, तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है। तो ये केस मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो इसमें हम फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे इसका डिस्प्ले दिखा रहे हैं। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट जो होती है, आपने यूज़र से
मल्टीपल चॉइसेस लेनी होती हैं, और उसमें से सब भी हो सकती हैं, इनेबल हो सकती हैं और सब डिसेबल भी हो सकती हैं। तो उसके लिए फिर हम चेक बॉक्स ये टाइप इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इसमें नेम जो है वो अलग अलग ही देना है आपने, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ अलग अलग सर्वर पे जाती हैं। जैसे ये मैंने भी दो पहली और आखिरी को सिलेक्ट किया है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जिस तरह ये व्हीकल वन इसकी वैल्यू गई है और व्हीकल थ्री की गया है, जिसको सिलेक्ट हमने नहीं किया व्हीकल टू उसकी वैल्यू नहीं गई। तो इस केस में कोई वैल्यू सेंड नहीं हुई। तो चेक बॉक्सेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात आपकी रिक्वायरमेंट होती है सिंपल, आपने सबमिट नहीं करना होता, सिंपल आपको बटन चाहिए होता है, तो उसमें अमूमन आपने फिर बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट लगाई होती है। जिस तरह अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक अलर्ट शो कर रहा है, तो वो उसके देखिए ये इवेंट्स हैं। जैसे कि हमें पता है ये हमारा ये टैग का नाम है, ये एट्रीब्यूट है, ये उसकी वैल्यू है, फिर ये एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू है, और ये इवेंट है। तो कुछ इवेंट्स जो हैं वो जनरल होते हैं, वो बहुत बहुत सारे कंट्रोल्स के साथ वही इस्तेमाल होते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अलर्ट, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, जावास्क्रिप्ट हम इंशाल्लाह डिटेल में फिर बाद में जब उसका कोर्स स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे, इसी तरह सीएसएस का भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अभी ये सिंपल सा काम कर रहा है, तो वो बहुत लंबा चौड़ा काम भी हो सकता है। जैसे कि आप अभी जिस तरह जी मेल है या इस तरह की जो वेब एप्स हैं उसमें देखें तो बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल है, तो यहाँ पे भी वो इसी की डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो कलर पिकर जो है इसकी अपनी एक अहमियत है, किसी फैशन या स्टाइल की वेब ऐप आपकी हो तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाएगी। तो जो नॉर्मल हम काम करते हैं तो इस कंट्रोल को हम अमूमन इस्तेमाल नहीं करते, जो बाकी हम देखते आ रहे हैं वो कंट्रोल अमूमन इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि टेक्स है, रेडियो है, चेक बॉक्सेस हैं, ये ऑलमोस्ट इस्तेमाल होते हैं, तो इसका इस्तेमाल कम है। लेकिन कोई वेब ऐप ऐसी हो सकती है जिसमें इसका सिनेरियो में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो, तो फिर उस केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़र्क यहीं पे आ रहा है देखें टाइप का, बाकी इसकी आईडी और नाम है, और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है रेड। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, और इसमें तीन पोर्शन हैं। ये पहले दो डिजिट्स, दो करेक्टर्स जो हैं ये रेड के लिए हैं, ये ग्रीन के लिए हैं, और ये ब्लू के लिए। इसको हम RGB बोलते हैं। पहले दो करेक्टर्स रेड के लिए, दूसरे दो करेक्टर ग्रीन के लिए, और फिर आगे जो हैं उसके बाद वो ब्लू के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ सकती है वो 0 0 0 से स्टार्ट होके F तक आ जाती है, और ये 0 से F तक ये बन जाते हैं आपके 16, आपके करेक्टर्स बन जाते हैं, डिजिट्स आप कह लें, क्योंकि 10 के लिए फिर A इस्तेमाल ये करते हैं, 11 के लिए B, और इस तरह 15 के लिए F। तो 0 से स्टार्ट करें तो यहाँ तक ये 16 ये बन जाती हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पे जब इसमें इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके भी लिख सकते हैं, जब ये दोनों सेम हो, जिस तरह एफ एफ है तो उसको सिंगल एफ भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब रेड के लिए डबल एफ है, इसके लिए डबल ज़ीरो, इसके लिए डबल ज़ीरो, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अभी मैं आपको ये चीज़ें कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताता हूँ कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ कैसे काम करती हैं। अभी बल्कि यहाँ से अगर आप इसमें चूज़ करेंगे तो तब भी ये यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू ही जनरेट करेगा, और इसको हम सबमिट करेंगे तो ये उसकी जो भी हेक्साडेसिमल वैल्यू बन रही है वो सबमिट करेगा। तो अभी यहाँ पे मैं इसको डबल एफ कर देता हूँ और इसको डबल ज़ीरो कर देता हूँ, तो ये फुल आपको ब्लू रेड
गलत बता रहा हूँ, ब्लू तो आखिरी के लिए है, आर जी बी, रेड ग्रीन ब्लू, तो ये आपको ग्रीन में बता रहा है। इसी तरह आखिरी को डबल एफ कर देंगे तो फिर ये आपको ब्लू में दिखाएगा। तो ये चीज़ें आप इसी तरह इसमें चेंज कर करके अप्लाई करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा, ये ब्लैक हो गया, और अगर आपको वाइट चाहिए तो ये एफ एफ, या इसमें हम ट्रिपल एफ भी दे सकते हैं, वो फिर उसी को नहीं, यहाँ पे कुछ और केस हो गया। कुछ मिस्टेक हो रही है क्योंकि ये मिनिमाइज फॉर्म भी मैंने इस्तेमाल करते हुए देखी है। तो चले आगे हम चलते हैं। फिर हमारे पास ये डेट का कंट्रोल इनपुट है और यहाँ पे इसकी एक चीज़ है कि मुख्तलिफ ब्राउज़र में इसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, क्रोमियम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, गूगल क्रोम भी इसी पर बेस्ड करके बना है। तो यहाँ पे अब हमने सिर्फ इसकी टाइप चेंज की है और बाकी नेम और आईडी दी है। यहाँ पे आईडी इसलिए दी है कि ताकि लेबल इसके साथ अटैच हो सके, जैसे कि ये है तो इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन एक बॉक्स आ गया। यहाँ पे आप इसके मंथ, ईयर्स और ये इसी तरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं और इसको सबमिट करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ आपकी इस फॉर्मेट में जाएंगी, और यही फॉर्मेट अमूमन हमें चाहिए होता है डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करने के लिए। यानी पहले ईयर्स आएँ, फिर मंथ आएँ और फिर डे आए। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मैक्स की वैल्यू मेंशन कर दी है, तो इससे ज़्यादा वाली डेट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। और इसी तरह मिन में आपने जो वैल्यू दे देंगे तो मिनिमम आपकी ये देनी होगी या बाकी इससे ज़्यादा ही होगी। तो इसको हम चेक करते हैं। तो अगर मैं जानबूझकर ज़्यादा देना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन ही नहीं मिल रही, और बिलफर्ज अगर मैं इसको मैन्युअली कर भी देता हूँ, यहाँ पे जिस तरह मैं क्लिक करके 20 कर दिया है और लेकिन यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा। लेकिन मैं इसको टेस्ट करता हूँ एक अपनी तरफ से गलत वैल्यू दे के भी, तो ये सबमिट नहीं कर रहा। यानी एंटर तो वो हो गई है लेकिन वहाँ पे वार्निंग इसकी दे दी है। तो ये आम यूज़र के लिए ये वैलिडेशन तो चल जाती है क्योंकि आम यूज़र्स को तो नहीं पता कि इसका आप सोर्स चेंज भी कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। तो बाकी डेवलपर्स हैं वो तो इसको फिर आसानी से इस तरह इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी टाइप ही चेंज कर देंगे, या फिर इसकी जो वैल्यू है मैक्स इसको ख़त्म कर देंगे बिलफरस, और फिर ये अलाउ करने देगा। लेकिन यह है कि जो ज़्यादातर यूज़र हैं उनको तो इस चीज़ का तो नहीं पता होगा। जो आम यूज़र हैं, एंड यूज़र जिनको हम बोलते हैं, उनको इस तरह की ट्रिक्स का, चीज़ों का नहीं पता होता। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि आप ये जो वैलिडेशन है जावास्क्रिप्ट बेस्ड या HTML5 के अंदर ये बिल्ड इन है, अब ये इस पर आप 100% डिपेंड ना करें। आप
सर्वर एंड पे जब ये वैल्यू सबमिट हो जाती हैं वहाँ पे ज़रूर फिर चेक करें, उसको फिर यूज़र ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि वैल्यू जाएगी सर्वर पे प्रोसेस होगी और सर्वर पे यूज़र अगर वो हैकर भी है तो उसका कंट्रोल जब तक उसको ब्रेक करके घुस नहीं जाएगा तब तक उसका कंट्रोल नहीं हो सकता, और अमूमन इतना आसान नहीं होता सर्वर्स को ब्रेक करना। तो सर्वर पे वैलिडेशन आप ज़रूर लगाएं। तो अभी हम वापस जाते हैं, ये छोटी सी देखें एक ट्रिक है मेन मैक्स की वैल्यू से। इसी तरह आप इनको यूज़ और भी जगह कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप ले रहे हैं तो वहाँ पे ये मिन मैक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ लेकिन इसको देखते हैं कि यहाँ पे हम डेट टाइम लोकल की वैल्यू दी है और इसमें साथ डिफरेंस तो बस यही लग रहा है कि साथ में टाइम भी आ रहा है। इज़ नॉट सपोर्टेड इन फायरफॉक्स सफारी एंड इंटरनेट एक्सप्लोर 12। तो यहाँ पे फिर इसके ये इस तरह के जो लेटेस्ट इनपुट्स हैं इनमें फिर ये खामियाँ भी देखनी चाहिए कि ये किस किस जगह सपोर्टेड हैं। तो इस हिसाब से तो आजकल जिस तरह मैक्सिमम आपके देखें यूज़र क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल क्रोम या क्रोमियम यूज़ कर रहे हैं, और अभी तो बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र एज है वो भी क्रोमियम बेस्ड है। जिस तरह की गूगल क्रोम क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है, तो और जो क्रोमियम है वो खुद एक ओपन सोर्स ब्राउज़र प्रोजेक्ट है जिसको मेन जो है गूगल इस्तेमाल कर रहा है और बाकी भी अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ओपरा भी गलबन उसको यूज़ कर रहा है और अभी तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह की जो वैलिडेशन है ये इस हिसाब से अच्छी है कि जैसे आप इसकी टाइप ईमेल कर दे तो यहाँ पे आप कोई गलत वैल्यूज़ करके इसको सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि जब तक कि आपकी वैल्यू ईमेल नहीं होगी ये आगे नहीं जाने देगा। इस तरह के ये आपको क्विक एक वैलिडेशन मिल जाती है जिसमें आपको जावास्क्रिप्ट भी लिखनी नहीं पड़ी। पहले आपको इसी तरह की वैलिडेशन के लिए जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी, तो अभी HTML5 की वजह से ये आपको बिल्ड इन चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से ये हमें पता लगता है कि ये कोड लिखा हुआ है ये HTML5 में लिखा हुआ है, इस पहली लाइन की वजह से पता लगता है। तो आगे हम जाते हैं कि इसमें फाइल कंट्रोल से किस तरह फाइल सेलेक्ट करते हैं, और लेकिन बात यह कि ये यहाँ तक काफ़ी नहीं है, ये असल काम आगे फिर सर्वर पे होता है। ये फाइल जब सर्वर पे टेम्परेरी वहाँ पे ये अपलोड होती है एक टेम्प के फोल्डर में, अगर लिनक्स सर्वर है वहाँ से आप फिर इसको जिस फोल्डर में मूव करना है वहाँ पे मूव करते हैं, बल्कि उससे पहले आप अपनी तरफ से वैलिडेशन भी लगाते हैं कि ये फाइल कौन सी टाइप की है, कौन सा इसका क्या साइज़ है, या इस तरह की वैलिडेशंस आप सर्वर एंड पे लगाते हैं और फिर उसको मूव करते हैं जिस फोल्डर में आपने करने चाह रहे थे। तो इसमें बस इसमें इसकी टाइप जो है उसको फाइल लिख देते हैं, और ऊपर फॉर्म में भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे भी आप चेंजेस करते हैं। तो अभी हम आगे जाते हैं, इनक्रिप्ट टाइप उसकी एक होती है वो चेंज करते हैं, वो जब इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, बल्कि ये चीज़ें तो बार बार हमारे पास आती हैं, यही फॉर्म सबमिट डेटाबेस में वैल्यू सेव या डेटाबेस में वैल्यूज़ रीड कर रहे हैं, ये काम तो वेब ऐप में बार बार होता है। तो इसकी रिपीटेशन आएगी आगे इंशाल्लाह, जब हम ये PHP तक पहुँचेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा आएगी हमारे पास। तो इस तरह मंथ की वैल्यू लेनी है तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा उससे मिलता है जुलता है जो डेट और लोकल का हमने देखा है कंट्रोल। तो बेसिक स्ट्रक्चर बड़ी हद तक ये मिलता है, यहाँ पे सिर्फ आपने मंथ लेना है। इसी तरह जिस तरह मैं मिन मैक्स का आपको कह रहा था कि नंबर के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखिए एग्जाम्पल में भी मिन मैक्स की वैल्यूज़ इसमें एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुए हैं नंबर के साथ, टाइप नंबर इसमें आप 1, 2, 3
तो ये सबमिट नहीं करने का, क्योंकि वो सिर्फ 1 से 5 के दरमियान ही लिख सकते हैं। अब ये इसको सबमिट करने देगा। तो डिफरेंस या फ़र्क जो है वो वही बात है कि फिर यहाँ पे नंबर के साथ ही आ रहा है। इसमें रिस्ट्रिक्शन हम देखते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि वो एक चेक बॉक्स जो है वो पहले से ही टिक हुआ हुआ हो, तो चेक्ड हम उसके साथ ये एट्रीब्यूट लिखेंगे और उसमें और कोई वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो HTML4 में आपको लिखना पड़ता था चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड, इस तरह लिखना पड़ता था, कोटेशन के अंदर इसकी वैल्यू चेक्ड लिखनी पड़ती थी। तो HTML5 में सिर्फ आप चेक लिख देंगे तो उससे वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा कि ये चेक्ड है, रेडियो बटन है या चेक बॉक्स है। तो यहाँ पे एग्जांपल में तो इन्होंने नहीं दिखाया, तो हम ऐसे करते हैं कि ऊपर जो हमने रेडियो बटन वाली एग्जांपल देखी है उसी में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक एग्जांपल है और दूसरी ये एग्जांपल है, और दूसरा हम वापस यहीं पे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि ये आप इस तरह खुद इनको ट्राई करें। जैसे ये इसके क्लोज से पहले चेक लिख दिया है, तो जब पेज लोड होगा तो ऑटोमेटिकली ये चेक्ड होगा। और इसी तरह हमारे जो एंड यूज़र, अगर आप जिसके लिए ये प्रोग्राम बना रहे हैं, ज़्यादा लोगों की तादाद उसमें फ़ीमेल्स हैं, तो आप इसमें फ़ीमेल को चेक्ड कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड होगा। इसी तरह डिसेबल के लिए है कि आप इनपुट तो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसको वो एडिट यूज़र ना कर सके। तो जैसे अभी यहाँ पे ये जो इनपुट है नंबर टाइप की, मैं इसी को डिसेबल भी करके दिखाता हूँ, तो अब ये यहाँ पे डिम हो गया वो। तो और इसमें जिस तरह मिन मैक्स ये हम देख चुके हैं, और ये इसमें ये है कि कितने करेक्टर्स लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे इसकी टाइप मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, और मैक्स लेंथ इक्वल टू 5 करेक्टर्स कर दिया है, और ये चीज़ें मैं इसकी अभी रिमूव कर देता हूँ, बाकी मेन मैक्स वाली। और इसमें मैं 1 2 3 4 5 6 7 ये आगे टाइप नहीं करने दे रहा। तो जैसे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं और आपको पता है क्रेडिट कार्ड कितने वो करेक्टर्स हैं, या कोई और जहाँ पे भी आप आईडी कार्ड ले रहे हैं, आपको पता है कि इसकी फिक्स्ड मैक्सिमम लेंथ ये हो सकती है, और डेटाबेस में भी आपने उसका साइज़ उसी तरह मेंशन किया हुआ है, तो फिर आपको ये मैक्स मेन ये इस तरह ये आप कर सकते हैं। तो मैक्स मेन तो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। पैटर्न का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, लेकिन इसमें जैसे कि डिफाइन हम ये कर लिए हैं मिन मैक्स ईमेल, तो इसमें हम पैटर्न एक डिफाइन कर सकते हैं कि वो इस पैटर्न की वैल्यू ही उसमें सेव हो, उससे कम या ज़्यादा वाली ना हो। जैसे आप क्रेडिट कार्ड है उसमें डैशेज आप चाहते हैं कि जो बंदा भी एंटर करे उसमें डैशेज भी शामिल हो, तो ये फिर आप इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन एक होती है स्ट्रिंग होती है वो आप एंटर कर देंगे, तो वो फिर एज इट इज़ उसको प्रोसेस करेगा। ये आगे की तरह एग्जाम्पल में आई तो उसको हम देख लेंगे, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। तो रीड ओनली और डिसेबल्ड जो है वो मिलते जुलते हैं बज़ाहिर देखने में। तो इसी एग्जांपल को हम ओपन करते हैं, तो इसको हम रीड ओनली कर देते हैं, तो इसमें हम देखेंगे अब ये चेंज नहीं हो सकता। तो वैसे डिसेबल में भी यही होता है, लेकिन डिसेबल में ये है कि उसको थोड़ा सा वो और ग्रेश कलर भी कर देता है, तो उसकी वैल्यू भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो रिक्वायर्ड
का ये फ़ायदा है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू इसकी रिक्वायर्ड कर देते हैं तो फिर ये इसको वैल्यू के बगैर ये सबमिट नहीं होगा। अभी तो वैल्यू इसमें है, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू मैं नहीं मेंशन करता तो ये मुझे कहेगा इसको पहले फिल आउट करना है। तो मैक्स लेंथ और ये साइज़ तो सेम नहीं, साइज़ से इसकी विड्थ आ जाएगी। तो इसको मैं चेक करता हूँ, इसका भी मेरे जहन में नहीं आ रही। दिस इज इक्वल टू 100 तो ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल है कि ये अगर टेक्स्ट फील्ड होगा तो ये काम करेगा। और इसके बगैर भी मैं एक मिनट इसको 20 करके देखता हूँ। सही है, ये इस जो इनपुट एलिमेंट है उसके साइज को डिफाइन कर रहा है। और जो यहाँ में हमने देखा था मैक्स लेंथ, उसमें जो एंटर आपने डाटा करना है ये उसकी करेक्टर्स की बात हो रही है। तो स्टेप, बल्कि इस एग्जांपल में ये स्टेप भी है और वैल्यू तो हमने देख लिया कि सिंपली जो हम वैल्यू देते हैं वो वहीं पे नज़र आती है। तो इसको पेज को हम रीलोड कर लेते हैं ताकि ओरिजिनल वैल्यूज़ जो इसकी हैं वो आ जाएं। तो नॉर्मली स्टेप इसका 1 का होता है, लेकिन हमने यहाँ पे स्टेप की वैल्यू दे दी है 10, तो जितनी वैल्यू दी होगी उतने उतने का ये जंप लेगा, अप करेंगे या डाउन करेंगे। और मैन्युअली ये एंटर करने दे रहा है, वो सिर्फ इसी के साथ है कि ये चीज़ मुझे नहीं बता दी नंबर। और इसमें मेन मैक्स वैल्यूज डिफाइन की हुई हैं, स्टेप 10 का दिया हुआ है और 45 हमने एंटर किया है तो उसने नहीं करने दिया, 40 या 50 दे सकते हैं। बहरहाल देखें, ये हमारे जो HTML5 है इसको रिफाइन करते जा रहे हैं, और ये चीज़ मैंने नोट नहीं की हुई थी। तो तकरीबन ये हम एग्जांपल जो है इसको भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो आज इत्तेफाक ये हुआ है कि इंटरनेट हमारा नहीं सही तरह चल रहा था, तो मजबूरन फिर मैं अपने जो मोबाइल का डाटा है उसके साथ कनेक्ट हूँ। और बल्कि थोड़ी सी मेरे जो डिले आया है वो भी ऑनलाइन होने की देर इसी वजह से हुई थी कि मैं वैसे तो 10 के करीब ऑनलाइन इधर बैठ गया था, लेकिन नेट, क्योंकि हमारे जो पीटी सेल का नेट है वो नहीं चल रहा था, इस वजह से फिर मेरी थोड़ी सी देर लग गई। तो उसकी अभी तक कोई मसला है, रेड लाइट उसकी ऑन है। और हमारे यहाँ पे भी हमें किसी ने ज्वाइन नहीं किया, वरना यह है कि हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन भी चल पड़ता। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, अभी हम इसमें रेंज कंट्रोल जो है इसको हम देखते हैं। और यहाँ पे इसकी टाइप में हमने रेंज लिखना है, बाकी इसकी आईडी और नेम वैसे ही हमने दिया, और मेन और मैक्स वैल्यूज हमने डिफाइन कर दी हैं। तो अब जब भी हम इसको सबमिट करेंगे तो जो भी वैल्यू इसकी बन रही होगी वो सबमिट हो जाएगी, 6 बन रही थी और यहाँ पे शायद 50 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया इसकी वैल्यू। 50% इसका, चलें यही बनता है, 25 बनता है। तो इसका इस्तेमाल
वैसे तो हम इनपुट ले वो ज़्यादा आसान है, लेकिन ये अब ये कोई डिज़ाइन या स्टाइल से रिलेटेड चीज़ है तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि ऊपर अगर आपका यहाँ पे कोई फॉर्म एक ऐसा है कि कोई ड्रेस नज़र आ रहा है तो उसमें आप मिसाल के तौर पे ब्लू कलर है उसको आप इस तरह उसको डार्क लाइट कर रहे हैं इस स्लाइडर जो है या रेंज कंट्रोल है इसकी बेस पे, तो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है। इस फील्ड को इस्तेमाल नहीं किया लेकिन इसको देखते हैं सर्च में क्या ख़ास बात है। बज़ाहिर तो सिंपल टेक्स्ट फील्ड ही नज़र आ रहा है। इस इज़ यूज फॉर सच फील्ड बिहेव्स लाइक रेगुलर टेक्स्ट फील्ड, तो इसमें कोई ख़ास ख़ास फीचर नहीं लग रहा है। ABC सबमिट किया है और दोबारा ABC इसमें ये फिल हुआ, और मेरा ये बाकी जो हम फॉर्म करते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है, ये फील्ड वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं जो पिछली आपने की होती हैं। तो इसको हम क्लोज करते हैं। अब इसका जो टेक्स का और इसका कोई आपस में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, और टेल जो है इसमें हम देखते हैं। अब उसमें हमने पीछे हमने ये चीज़ पढ़ी थी पैटर्न, तो ये भी हम इसमें पैटर्न का भी इस्तेमाल होने लगा है। इसमें ये कह रहा था कि अगर ये एग्जांपल इसकी आती है तो फिर अब इसको हम देखेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस आपको उसका सेंटिक्स पता होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो तब आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इनपुट इसमें हमने टाइप टेल की है, आईडी नेम एज यूजल दिए हैं, प्लेस होल्डर में प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो है ये गालबन हमने पहले नहीं पढ़ा है, तो इसमें ये हमें सिर्फ इस तरह नज़र आता है, असल में लिखा हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो वो हिडन हाइड हो जाता है, वो बैकग्राउंड में जिस तरह आपको नज़र आता है कि ये टेक्स्ट है, तो इसको प्लेस होल्डर टेक्स्ट बोलते हैं। तो पैटर्न हमें इसमें डिफाइन किया है कि 0 से 9 आप ये डिजिट यूज़ कर सकते हैं, और ये 3 आप यूज़ करेंगे यानी 3 डिजिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह 0 से 9 ही डिजिट कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 आपने डिजिट लिखने हैं, और फिर इसी तरह फिर 3 लिखने हैं। जैसे मैं अगर वैसे गलत लिखता हूँ कोई 1 2 3 और इसको सबमिट करता हूँ, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, तो आपको फिर इसका फॉर्मेट भी यहाँ पे किधर मेंशन करना होगा। मैं जैसे इसको बाद डैश डैश यहाँ पे भी देखें डैश डला हुआ है डैश, और साथ में मैं इसके फिर अभी इसमें 3 कर देता हूँ, 3 फिर डैश फिर यहाँ पे 2 कर दिया, यानी कि गलत पैटर्न एंटर किया है, तो ये नहीं करने देगा। और ये मेंशन ये करेगा जो रिक्वेस्ट किया गया है फॉर्मेट उसी को आप करें, तो ये फॉर्मेट आपको फिर यहाँ पे इसके साथ दाएं बाएं किधर ना किधर मेंशन करना चाहिए, या फिर इस तरह प्लेस होल्डर में इसको आप डालें ताकि जो यूज़र एंटर कर रहा है उसको पता हो कि क्या फॉर्मेट इसमें एक्सपेक्टेड है। तो अभी हम सबमिट करेंगे तो ये सबमिट करने देगा। तो ये ऑलमोस्ट ऐसी एग्जाम्पल आ गई जिस तरह मैं आईडी कार्ड की बात कर रहा था, आप चाह रहे हैं कि डैशेस के साथ ही वो एंटर करें यूज़र। तो रेंज कंट्रोल दोबारा आ गया, और यहाँ क्यों आया है, टाइप रेंज डिफाइन ए कंट्रोल टू एंटरिंग ए नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट लाइक स्लाइडर कंट्रोल, डिफॉल्ट रेंज इज 0 to 100, हाउ एवर यू कैन सेट रेस्ट्रिक्शन ऑफ व्हाट नंबर है। यानी यहाँ पे भी आप जिस तरह नंबर में कंट्रोल में हम देख रहे थे कि उसमें स्टेप को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें भी स्टेप का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से 100 तक होता है, तो पिछली एग्जांपल में हमने 0 से 50 तक ही किया था, ये वही एग्जांपल है। तो इसमें बात ये कि इसमें वैल्यूज़ की इतनी ज़्यादा अहम नहीं होती है कि जिस तरह इसकी रेंज एक बस ठीक है, थोड़ा सा 0 से ऊपर हो, एंड से पहले हो, सेंटर में हो, तकरीबन जिस तरह वही मैंने एग्जांपल दी थी ऑलमोस्ट वैसे ही इसका इस्तेमाल हो सकता है।
शायद स्क्रॉल होके हम ऊपर आ गए हैं, इसको मैं यही देख रहा हूँ कि ये दोबारा से करना शुरू कर दिया हमने। तो पैटर्न हमने ये देख चुके हैं, और फिर हमारे पास आ जाता है टाइम, और ये आपके पास ऑलमोस्ट जिस तरह हमने वो डेट लोकल किया था उसके जो राइट साइड पे एरिया था, ये ऑलमोस्ट वैसा ही कंट्रोल बन जाता है। तो इसमें सिर्फ टाइप में आपने टाइम मेंशन करना है, और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। और एक इसकी बुरी बात फिर ये है कि ये सपोर्टेड सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्टेड नहीं है। तो इसमें जैसे कि गूगल क्रोम ही मैक्सिमम जगह पे यूज़ हो रहा है, तो उस हिसाब से तो आप इस पोर्शन को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपके सफारी यूज़र एप्पल के यूज़र कम हैं, तो इसकी ब्राउज़र जो यूजेज है या इसकी ओवरऑल, मेरे ख्याल है 9% या समथिंग, 8-9% यूज़र है मैक्सिमम। आपके विंडोज़ के यूज़र इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर लोग क्रोम इस्तेमाल करते हैं। तो इस हिसाब से इसको आप नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफर्म पता है कि आपके ज़्यादातर यूज़र एप्पल के हैं या वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको इसको स्किप करना पड़ेगा। तो कोई और लाइब्रेरी इस्तेमाल करके ये कंट्रोल इस्तेमाल कर लें, जिस तरह jQuery में है, तो वो ऑलमोस्ट सब ब्राउज़र में चल जाती हैं चीज़ें। तो इसी तरह ये URL का एक कंट्रोल है, और इसमें जब तक आप URL एंटर नहीं करेंगे तो ये आपको आगे नहीं जाने देगा। तो यहाँ से इनकी URL से मुराद ये है कि आपका ये पूरा मेंशन करें, http://abc.com, तो फिर ये जाने देगा। किसी वजह से इसने सर्वर पे एरर दिया है, क्योंकि अगर हम सिंपल इस तरह abc.com करेंगे तो ये इसको सबमिट नहीं करने देगा। वैसे तो इसको पहले भी कोई एरर शो नहीं करना चाहिए था। अगर इनपुट एंड रिटर्न दिस इज नॉट अटैक सर्वर प्रोसेसिंग एक्सप्लेन, चलें बहरहाल इसमें इनका मेन इसका मकसद ये नहीं है कि इसको कैसे प्रोसेस करना है। तो URL हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, और अगेन वही बात है कि सर्वर पे वैलिडेशन आप अलग से करें ही करें, ये तो यूज़र एंड पे वैलिडेशन एक लिहाज से हो रही है कि URL के अलावा उसमें कोई और वैल्यू नहीं होगी। ये कंट्रोल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहरहाल इसको देखते हैं। टाइप में वीक लिखना है, और यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा, ऑलमोस्ट डेट कंट्रोल की तरह है, लेकिन इसमें वीक सेलेक्ट हो सकता है। कौन सा वीक, वीक नंबर 50, वीक नंबर 49, 20 का वीक नंबर 49। बहरहाल ये कभी इस्तेमाल नहीं किया कंट्रोल। कुछ कंट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इनपुट एलिमेंट, और कुछ बहुत कम। तो यहाँ पे अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं। हर चैप्टर तो नहीं, अक्सर चैप्टर्स के बीच में जो इस तरह की हैं एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, तो इसको अटेम्प्ट करें, और गलत हो तो फिर चैप्टर दोबारा से देखें, इसको स्किप आप ना करें। पहले आप इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ें, और फिर जो भी आपको समझ आती है उसको फिल करें। इन द फॉर्म बिलो एड एन इनपुट फील्ड फॉर टेक्स विद नेम यूज़र नेम। तो यहाँ पे हमारा इनपुट आएगा टैग, जो एक्चुअल टैग इनपुट का है, और ये कह रहे हैं जिस तरह उसकी टाइप टेक्स हो, तो हम इसकी टेक्स टाइप टाइप टेक्स लिख देते हैं। इसको वैसे अगर हम स्किप भी करें तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप टेक्स ही होती है, लेकिन अभी क्योंकि ये एक्सरसाइज है तो इसमें गालबन ये जो जो हमने टाइप किया होगा इसको वो क्रॉस मैच करेंगे, और वहाँ पर ये मुझे लगता है कि ये ऐसे ही होगा।
और यहाँ पे क्योंकि उन्होंने मेंशन भी किया है कि उसकी टाइप टेक्स हो, तो फिर यहाँ पे लिखना ज़्यादा ज़रूरी भी बन जाता है। तो प्रोफेशनली तो इसको आप स्किप कर सकते हैं बिल्कुल, इस पार्ट को जो ये एट्रीब्यूट है टाइप का, इसको स्किप कर सकते हैं। और नेम में इज इक्वल टू यूज़र नेम, तो इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये ठीक हो गया है, और इसको मैं बल्कि इसके इसको ख़त्म करके भी देखता हूँ। वैसे इस तरह भी ये प्रोफेशनली हम करें तो फॉर्म ये बिल्कुल प्रोसेस सही होगा, लेकिन मुझे लगता है ये इसका जवाब ये गलत देंगे कि ये गलत है जी। बिल्कुल इन्होंने जो पैटर्न वहाँ पे लिखाया लगाया हुआ है उसमें ये ऐसे ही है कि यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट लिखा जाए, हालांकि बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट ही होता है, लेकिन इस तरह के जब केस हो तो फिर एक्सरसाइज आप ऐसे ही सॉल्व करें जब आप एक्सपेक्ट जिस तरह के तवक्को कर रहे हैं। तो बाकी यहाँ पे हम ये रेफरेंसेस इसके बताए जा रहे हैं, इसको मैं सरसरी तौर पे देख लेता हूँ, लेकिन हम इसको अमूमन स्किप करते हैं क्योंकि जब आप बहुत सारी इसमें एट्रीब्यूट्स, इवेंट्स और इस तरह की वैल्यूज़ हो सकती हैं पॉसिबली, तो वो सबको देखना ज़रूरी भी नहीं है। जब ज़रूरत पड़े तो फिर आप ये कि इसमें यहाँ पे आप इसमें रेफरेंस वाले सेक्शन में आके चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मसलन आपको एक जगह पे ज़रूरत पड़ जाता है, एक जैसे रेंज हमने देखा है इनपुट, तो उसकी फिर आपने डिटेल चेक करनी है कि वो कौन से ब्राउज़र में सपोर्टेड है या नहीं है, वो तब उस केस में आप फिर रेफरेंस में जाके देखें। लेकिन इसमें चले मैं सरसरी तौर पे इसको गो थ्रू कर लेता हूँ, इनपुट में उसका बेसिक डेफिनेशन यूज़ सब जगह पे ये सपोर्टेड है, फिर एट्रीब्यूट सब जगह पे सपोर्टेड नहीं है, कौन कौन सी वैल्यूज़ में आ सकती हैं। अब ये चीज़ पहले मैंने नहीं इस्तेमाल की हुई, ये वीक वीक वाला कंट्रोल। फिर कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सबकी शायद दे दी हैं जितनी भी उसमें टाइप में आ सकती हैं पॉसिबल। और फिर यहाँ पे शायद उन्होंने मेंशन भी किया हो कि किस जगह पे ये सपोर्टेड है नहीं है, पता नहीं। बहरहाल इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। रेफरेंसेस हमारा इस जो कोर्स हम ये कर रहे हैं इसमें वो हमारा टारगेट नहीं है। रेफरेंसेस वो तो पूरी पूरी आप कहें जिस तरह डिक्शनरी जो है इंग्लिश आपने सीखनी है तो वो पूरी डिक्शनरी आप याद करने शुरू कर दें तो वो प्रैक्टिकली वो ठीक नहीं है। उसकी निस्बत आपको जो अगर आपने महारत हासिल करनी है तो उसमें आप देखें कि जो फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं जो उसमें अल्फाज हैं हो सकता है वो थोड़े से हों, और 80% वो इंग्लिश पे अबूर आपका हासिल हो जाएगा, तो वो सीखने पर ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत पूरी डिक्शनरी याद करने के। तो नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो फॉर्म वाला पोर्शन है ये पूरा ही हो जाए। तो इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमारा ये तकरीबन हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको 53 या 54 कह लें, 45 सेकेंड्स ऑलमोस्ट कह सकते हैं। तो अभी हम एट्रीब्यूट्स में देखते हैं इनपुट एट्रीब्यूट्स। वैसे तो हमें ये एट्रीब्यूट्स पता हैं, जिस तरह ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पता नहीं इसमें क्यों रिपीट ये करा रहे हैं। इसमें किधर हमने ये एट्रीब्यूट्स, ये HTML एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं। तो इनपुट एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफिक ये करना चाह रहे होंगे शायद, इसलिए दोबारा से मेंशन कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं, जिस तरह की कुछ स्पेसिफिक आपके एट्रीब्यूट्स हैं जैसे ये रीड ओनली का, ये एग्जांपल पीछे कर चुके हैं इसलिए हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दोबारा नहीं करेंगे। ये मेरे ख्याल है वही कुछ चीज़ें हैं जो पीछे मेंशन हुई हुई थी और उन्होंने इसकी एग्जाम्पल्स नहीं दी थी और अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, लेकिन ये हम क्योंकि कर चुके हैं पीछे चैप्टर में तो ये हम इसको स्किप करते जाएंगे क्योंकि कुछ मुझे यहाँ पे ख़ास चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। ये जिस तरह इनपुट की
अपनी जो उसकी विड्थ है या उसकी लेंथ है ये डिफाइन करने के लिए साइज़ का एट्रीब्यूट था। फिजिकली हमें इसका ये विजुअली नज़र आता है इसका, और साइज़ एट्रीब्यूट इनके साथ इस्तेमाल हो सकता है टेक्स्ट और टेल ईमेल पासवर्ड के साथ। मैक्स लेंथ को भी हम देख चुके हैं, इसको भी स्किप करते हैं कि कितने करेक्टर्स वो सपोर्ट करता है इनपुट। मिन मैक्स इनमें भी कुछ खास नहीं लग रहा, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये हम चीज़ें पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये अब नई चीज़ नज़र आ रही है इसमें जो पीछे, मेरे ख्याल है इसमें मैं फिर एक दफ़ा गो थ्रू कर लेता हूँ, कोई नई चीज़ है तो इसको हम देख लेते हैं, अदरवाइज़ ये स्किप ही करना चाहिए क्योंकि ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें डिसेबल्ड में यह है कि वो क्लिकेबल नहीं होता, तो जबकि जो रीड ओनली होता है वो क्लिकेबल होता है, कॉपी कर सकते हैं इस तरह शायद मेंशन कर रहे हैं ये। जी चलो इस एग्जांपल को देखते हैं। मल्टीपल आप जो फाइल कंट्रोल है उसमें मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं और वो वहाँ पे सिर्फ आपने मल्टीपल का एट्रीब्यूट मेंशन करना है। तो अब ये समझ आ रही है कि यहाँ पे ये चैप्टर इन्होंने क्यों बनाया है। वैसे जो वहाँ पे एट्रीब्यूट्स बताए थे वो जेनेरिक जो HTML टैग्स के एट्रीब्यूट्स हैं उस तरह करके बताए थे, और यहाँ पे ये स्पेसिफिक इनपुट के जो एट्रीब्यूट्स हैं इस तरह के जो अनयूजुअल से बाकी जगह पे इस्तेमाल नहीं होते, तो यह हो शायद हो भी कुछ इसमें। फिर हम देखते हैं कि ये फाइल कंट्रोल में जिस तरह भी दो फाइल्स, वैसे हम उसमें एक ही कर सकते थे, इसमें हम ये शिफ्ट दबाया है मैंने। अगर आपने सीक्वेंस में करनी है ज़्यादा फाइल्स जिस तरह शिफ्ट दबाया तो ये सारी हो गई हैं, लेकिन अगर आपने बीच में गैप्स के साथ करनी है तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं जिस तरह मैंने इस फाइल पे क्लिक किया है, कंट्रोल की दबाई है, इसको दबाया है, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, इस तरह भी आप कर सकते हैं कंट्रोल की और शिफ्ट की दोनों के साथ। तो ये अब सिलेक्शन हो गई है थ्री फाइल्स, बल्कि लिखा हुआ भी आ रहा है सबमिट करेंगे, लेकिन अभी ये प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि अभी सर्वर एंड की कोडिंग यहाँ पे नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे ये कंट्रोल और शिफ्ट को मेंशन भी किया हुआ है। पैटर्न एट्रीब्यूट हम देख चुके हैं और फिर इसको देखते हैं, यूज़ द ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द पैटर्न। ठीक है, ये बात अच्छी है, यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट ये एग्जांपल हम देखते हैं, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने एक पूरे चैप्टर भी बनाया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन के, इसका सिंटेक्स समझने के लिए। तो इसको हम अभी हम नहीं देखते, इसको भी हम स्किप करते हैं और यहाँ पे इस एग्जांपल को देखते हैं। जिस तरह ये टाइटल एट्रीब्यूट है इसकी वजह से ये फ़ायदा होगा कि जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा वो जब हम एरो इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये टेक्स्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिस तरह के ये थ्री लेटर कंट्री कोड। और यहाँ पे पैटर्न में देखें तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये रेंज वाले करेक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि कैपिटल में ए से जेड तक और लोअर केस में ए से जेड तक ये करेक्टर्स आ सकते हैं, और आगे जो करली ब्रैकेट में ये दिया हुआ है ये उसकी तादाद दी हुई है कि तीन आ सकते हैं करेक्टर्स, यानी अगर हम दो देंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तीन होंगे तो ही ये सबमिट करेगा, जैसे कि अभी इसने सबमिट कर दिया है। तो अगर हम नंबर करेंगे तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, 1 2 3 करते हैं नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट मैच नहीं कर रहा। प्लेस होल्डर हम देख चुके हैं, इसको स्किप करते हैं, रिक्वायर्ड भी देख चुके हैं और स्टेप ये भी हम देख चुके हैं, लेकिन इसको एक दफ़ा एग्जांपल को एक जल्दी से हम करते हैं। इसमें ये जैसे अप डाउन क्लिक करेंगे तो ये 3 3 का जंप कर रहा है क्योंकि स्टेप में हमने 3 दिया है, इसी तरह डाउन भी 3 3 कर रहा है। तो इसमें और कोई खास बात नहीं है,
तो ये बात वही मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरह ये इनपुट रिस्ट्रिक्शन जो है ये फूल प्रूफ नहीं है और इसको स्किप किया जा सकता है, इसलिए सर्वर एंड पे आप लाजमी चेक करें। तो ये एक नया इसमें एट्रीब्यूट है ऑटो फोकस, जिस तरह के अभी हम पेज ओपन होता गया तो यहाँ पे कंट्रोल फर्स्ट इस पे आ गया ऑटोमेटिकली, तो ये इस कंट्रोल इस एट्रीब्यूट की वजह से हुआ है। तो इसको हम अभी जानबूझ के सेकंड वाले एलिमेंट पे डालते हैं। वैसे उमूमन तो यही होता है, हमारा मकसद होता है कि पहले जो नज़र आ रहा है इनपुट उस पर कंट्रोल आए, लेकिन हो सकता है किसी सिचुएशन में पहले वाला ऑप्शनल हो तो आप चाहते हैं दूसरे तीसरे या किसी और कंट्रोल पे फोकस रहे, तो ये ऑटो फोकस आप इस तरह सेलेक्ट कर लें। तो इसको अभी रन कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ना इस एग्जांपल्स में सही तरह नज़र नहीं आती हैं। उसकी वजह ये है कि ये खुद एक गालबन आई फ्रेम और इस तरह के ये इस्तेमाल हो रहा है, मतलब मेन पेज ये है। तो ये चीज़ अब यहाँ पे नहीं हो रही है, लेकिन इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि हम अपने पास इसकी फाइल बनाएं अपने कंप्यूटर पे। जैसे यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ HTML की, test.html, और इसमें कोड वही जो मैंने कॉपी किया है वो पेस्ट करता हूँ, और फोकस जो है वो हमने सेकंड एलिमेंट पे ही रखा हुआ है। तो इसको हम ओपन करते हैं अपने पास इधर ब्राउज़र में ओपन, और डेस्कटॉप पे टेस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको ओपन करते गए हैं तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली सेकंड इनपुट पर ही है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे नहीं नज़र आ रही थी। इसको हम देखें रन कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें इस तरह मसला करती हैं। तो आप इस तरह फाइल बना के भी एक दफ़ा टेस्ट कर लें, क्योंकि ओरिजिनल जो तरीका है वो यही है कि हम इस तरह फाइल्स बनाते हैं और सर्वर पे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो इन्होंने हमारी आसानी के लिए बनाई है कि हम इसमें क्विकली एक इसमें एग्जांपल्स को प्रोसेस होता हुआ देख लेते हैं, लेकिन इसमें सब चीज़ें नहीं चलती हैं, ये जेन में रहे। तो वैसे भी आपको ये HTML CSS JavaScript को चलाने के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, यही आपको जो ब्राउज़र है जो ऑलमोस्ट कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल विंडोज़ एप्पल मतलब मैक ये हर सिस्टम पे ही आपका अमूमन ये ब्राउज़र आपका मौजूद होता है, तो उस पे ही आपने ये HTML फाइल ओपन करनी होती है। HTML में CSS JavaScript ये तीनों चीज़ें उसमें पॉसिबल हैं उसकी एग्जीक्यूशन। तो आगे हम चलते हैं इसमें विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट है, और ये हम इमेज के साथ इस्तेमाल करते हैं, और इमेजेस के साथ ये कहते हैं कि आप लाजमी विड्थ और हाइट मेंशन करें। अच्छा, उसमें ये फ़ायदा है कि आप मेंशन करते हैं तो वो स्पेस रिज़र्व हो जाती है और पेज लोड में आपको फ़ायदा होता है। तो इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये जो इनपुट है इसको मैंने भी ट्राई नहीं किया हुआ, या शायद किया हो किधर मुझे याद नहीं, क्योंकि वैसे हम इमेजेस के लिए इमेज का टैग ही इस्तेमाल करते हैं जो अमूमन हम करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पे टाइप इसकी हमने रखी है, बाकी तो एज यूजुअल हमारी चीज़ें आ रही हैं। ये चीज़ एक बीच में नहीं है, IMG टाइप है, सोर्स दिया, अल्टरनेटिव टेक्स भी दे दिया अगर ये इमेज किसी वजह से नज़र ना आए, और वेट और हाइट इसमें मेंशन की। तो यहाँ पे तो ये जिस तरह सबमिट बटन के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने और कुछ भी मेंशन नहीं किया सबमिट कहाँ से हो रहा है, तो फिर ये सबमिट बटन के तौर पे काम कर रहा है।
तो वैसे अपने इमेज दिखानी हो तो वो IMG और उसमें भी यही बाकी चीज़ें यही इस्तेमाल हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे फिर हमें ये फ़ायदा हुआ है कि वही इमेज एज अ सबमिट बटन के तौर पे काम कर रही है, इसमें हमें कोई और स्पेशल कोड नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ इसी के ऊपर क्लिक करने से फॉर्म सबमिट हो रहा है। और वैल्यूज़ यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ नहीं की हैं क्योंकि इसकी तो फिल नहीं किया है, लेकिन एक बात ये और बता रहे हैं जो कि मैंने अभी नोट किया है, वैसे मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया है इनपुट इमेज कि इसमें एक्स और वाई जो क्लिक हुए हैं वो भी साथ जाते हैं। ये एक वैसे इंटरेस्टिंग बात है, इसको मैं थोड़ा सा और ख़ुद भी चेक करता हूँ। इमेज सेंस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्लिक, जिस तरह मैं अब ये स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू थोड़ी आनी चाहिए और वाई की ज़्यादा आनी चाहिए, तो एक्स की 6 है और वाई की 24 है, सही है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये इधर से ये ऑलमोस्ट 0, एक्स जो इसकी वैल्यू 0 और वाई की भी 0, और यहाँ पे मैक्सिमम एक्स की भी मैक्सिमम और वाई की भी मैक्सिमम, ये एक्स की ये रेंज है और ये इस तरह ये हाइट वाई है और विड्थ एक्स है, तो यहाँ पे मैं अगर करूँगा तो दोनों की छोटी वैल्यूज आएंगी, एक्स 6 है और वाई बल्कि उसमें माइनस है, तो सही है, ये अच्छी एक चीज़ है कि सिर्फ आप इमेज इस तरह की बनाएं, बटन टाइप इमेज बनाएं और उसको यहाँ पे इनपुट टाइप में एज ए इमेज दे दें और ये बतौर सबमिट बटन काम कर रहा है। तो इसकी ये विड्थ हाइट आप कैसे देंगे, कैसे अंदाज़ा करेंगे क्या लिखना है, तो एक तो ये कि आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ यहाँ पे दे दें, जिस तरह मैं अगर इसको दे देता हूँ 100 और इसको भी ऑलमोस्ट 100 दे दें क्योंकि ये बराबर बराबर ही लग रही है, लेकिन इसमें एक नुकसान फिर ये है कि आपकी जो एक्चुअल विड्थ और हाइट है उससे ज़्यादा अगर आप वैल्यूज़ देंगे तो पिक्सल्स फटने शुरू हो जाएंगे, जिस तरह इसके आप ये इतने अच्छा ये नज़र नहीं आ रहा, इसके मैं अगर और ज़्यादा करूँगा तो आपको और ज़्यादा ये चीज़ नज़र आएगी। तो इसका अच्छा तरीका तो ये है कि पहले आप इमेज जो है उसके देखें कि उसके एक्चुअल साइज़ क्या है, इस इमेज को मैं नई टैब में खोलता हूँ तो इसका मैं ये साइज़ ऊपर ये बता रहा है, ये देखें 48x48, तो ये बेस्ट व्यू इसका यही आ सकता है, या इस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करें तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा, या छोटा अगर साइज़ आप करते हैं और उसमें वही इससे मिलती जुलती आप मेंशन करते हैं पिक्सल्स तो एक्सेप्टेबल शायद हो अगर साइज़ का छोटा कर दें, लेकिन बड़ा करें तो खुसूसन आपको ये पिक्सल फटे हुए नज़र आते हैं, तो इस तरह फिर आपको बेहतर यह है कि वही मेंशन करें जो कि इमेज का साइज़ है, या फिर यह है कि आपके पास ओरिजिनल अगर इमेज है तो उसको फिर आप हायर रेजोल्यूशन के साथ एक्सपोर्ट करें, अगर आपके पास ओरिजिनल सोर्स इमेज जो आप एडिटिंग कर रहे थे जहाँ से वो है तो उससे इस तरह करें। तो इसमें अभी हम ये इस्तेमाल करते हैं लिस्ट और डाटा लिस्ट, ये गालबन हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं किसी जगह, मुझे लगता है ये हमने इस्तेमाल किया है, जिस तरह के डाटा लिस्ट में हमने ये ब्राउज़र्स की लिस्ट बनाई है और यहाँ पे इनपुट में हमने लिस्ट मेंशन कर दी है, तो ये आपका ड्रॉप डाउन जिस तरह आप बनाते हैं ये ऑलमोस्ट वैसे ही काम कर रहा है, और इसको सबमिट किया तो ये आपके ब्राउज़र की वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू ये वैल्यू इसमें सबमिट चली गई। इसमें मैं एक और चीज़ चेक करना चाह रहा था, हम टाइप भी कर सकते हैं अपनी, जिस तरह ये वैल्यू है
तो वैल्यू यानी कि ये एक लिहाज से अच्छा है। वैसे जो नॉर्मल हम ड्रॉप डाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फिर एक ये चीज़ इस चीज़ की कमी थी कि आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू टाइप नहीं कर सकते, जो सिलेक्शन आ रही है वही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ायदा नज़र आ रहा है मुझे कि आप एक तो ये कि इसमें टाइप जिस तरह मैं कर रहा हूँ फायर, और ये सिलेक्शन नीचे आ रही है और इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको एडिट भी कर सकता हूँ, तो इसकी वर्थ मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये चीज़ अच्छी है। लेकिन इसमें फिर बुरी बात यह है कि ये सफारी में सपोर्टेड नहीं है। लेकिन अगर एप्पल के यूज़र आपके यूज़र नहीं है तो बिला झिझक आप इसको इग्नोर कर दें। आगे हम चलते हैं ऑटो कंप्लीट और गालबन ये बाय डिफॉल्ट ऑन होती है और इसको ऑफ या ऑन किया जा सकता है। अच्छा यहाँ पे ब्राउज़र में किधर ये ऑटो कंप्लीट की सेटिंग होती है मैंने चेक नहीं की, तो यहाँ पे इसके ऊपर ईमेल के ऊपर ऑफ की हुई है और अभी तो खैर ये पुरानी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी जो हम फिल करेंगे ये वो वाली वैल्यूज़ नज़र नहीं आएंगी, तो हम इसमें फिल करके देखते हैं। तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट जब आपने फॉर्म यानी ये चाइल्ड एलिमेंट है और ये पेरेंट है, पेरेंट लेवल पे जो आपने एट्रीब्यूट लिखा है वो सब के लिए बाय डिफ़ॉल्ट चला गया है, लेकिन जहाँ पे आपको नहीं चाहिए यहाँ पे जिस तरह इसमें नहीं चाहिए तो इसमें हमने ऑफ़ कर दिया। तो इसको हम रन करते हैं जिस तरह मैं यहाँ पे अब ए इधर बी इधर सी एट डी डॉट कॉम ये वैसे लिखता हूँ एड्रेस, उसको सबमिट करता हूँ ए बी सी एट डी डॉट कॉम ये वैल्यूज़ चली गई हैं, और फिर इसको रन करता हूँ और देखता हूँ ए बल्कि यहाँ पे तो नहीं सेव हुई ऑटो कंप्लीट बी ए सेव इन्होंने नहीं की। ऑटो कम्प्लीट एटीट्यूड्स वेदर आर नॉट इन बट शुड बी ऑटो कम्प्लीट फिल इन द सबमिट फॉर्म रीलोड द पेज टू सी हाउ इज ऑन फॉर द फॉर्म बट ऑफ फॉर द ईमेल फील्ड। तो अब ये हम यहाँ देख रहे हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे नहीं ये चल रही, मैं इसको कम्प्लीटली रीलोड भी कर देता हूँ जिस तरह के उन्होंने कहा है कि रीलोड करें पेज को, तो ये चीज़ यहाँ पे चलती नज़र नहीं आ रही। बी अब लिखा है तो यहाँ पे लिस्ट में बी आ जाना चाहिए था। तो इसको फिर हम ऐसे करते हैं कि जिस तरह हमने पहले किया है इस एग्जांपल को कॉपी किया और यहाँ पे इसको ओपन किया टेक्स्ट एडिटर में, नया जो कोड है उसको पेस्ट किया और यहाँ पे ओपन करते हैं हम उसी कोड को, और अब इस फॉर्म को बल्कि देखें अब यहाँ पे वो ए लिखा हुआ आ गया है और इधर बी भी आ गया है और इधर सी वगैरह नहीं आया। तो जिस तरह पहले भी मैं बता चुका हूँ कुछ चीज़ें इस तरह नहीं चलती हैं तो आप फाइल बना के चेक कर लें। तो एक्सरसाइज आ गई है, ये चैप्टर तो जल्दी से हो गया और उम्मीद है कि ये भी शायद जल्दी से हो जाएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट जो फेज़ है इस सेशन का उसमें जाएंगे। वैसे तो हमारा बीच में क्वेश्चन आंसर का सेशन भी चलता है, टाइम भी बल्कि मैंने खसूसी तौर पे इसी के लिए बदलाया था, पहले हमारा दिन के वक्त 3 से 6 बजे तक टाइम था और अभी फिर 10 से 12 टाइम इसी वजह से किया था कि लोगों को आसानी हो। बहरहाल तो एक्सरसाइज हम करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। इन द इनपुट फील्ड बिलो एट द प्लेस होल्डर दैट सेज योर नेम हेयर, तो यहाँ पे ऊपर आप पढ़ के तो आए होंगे कि प्लेस होल्डर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लेस होल्डर कैसे इस्तेमाल करना है तो उसके लिए बड़ा आसान सा याद रखने वाले यही लफ्ज़ हमने पूरा लिखना है, प्लेस होल्डर इक्वल टू जो भी वैल्यू कही जा रही है। तो वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
सबमिट करते हैं और देखते हैं कोई गलती है तो फिर दुरुस्त कर देंगे, ये दुरुस्त है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। और इसको मैं मार्क भी कर लेता हूँ टाइमलाइन में कि कितनी देर में हमने ये, तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट और 10 सेकंड, 1 घंटा 15 मिनट और ऑलमोस्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड ऊपर हो गया लेकिन ठीक है अभी के लिए। जी फॉर्म इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स ने बात वही है फिर कि जिस तरह अभी इनपुट एट्रीब्यूट्स या फॉर्म के एट्रीब्यूट्स बयान करेंगे जो स्पेसिफिक इस फॉर्म से रिलेटेड होंगे, वैसे जनरली हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे एक तो आ गया जैसे कि ये आ गया एक एक्शन, और यहाँ पे इसकी आईडी मेंशन की है एक, तो यहाँ पे लेबल इनपुट इनपुट इसको चेक करते हैं इसमें क्या खास बात है कि एग्जांपल के तौर पे इन्होंने पेश किया है। फ्रॉम द फेल्यू ऑफ द दिस एट्रीब्यूट मस्ट बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट इट बिलोंग्स टू। हाँ सही है, अब ये उससे फॉर्म से बाहर है अगर, तो इसमें हम कुछ वैल्यू सबमिट करते हैं। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने फॉर्म में उसका फॉर्म मेंशन किया है तो वो सबमिट हो रहा है, वैसे अगर ये मेंशन नहीं करे तो फिर ये सबमिट नहीं होता। इसमें अभी सबमिट कर रहे हैं, दोनों की वैल्यूज जा रही हैं। अच्छा फॉर्म एट्रीब्यूट इसमें बस स्पेशल जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि आप फॉर्म एट्रीब्यूट, एक तो फॉर्म ये टैग है और फॉर्म एट्रीब्यूट भी है, अगर आप किसी वजह से यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है आपको किधर और ये इनपुट को लिखना पड़ता है उससे बाहर, फॉर्म के टैग से बाहर लिखना पड़ता है, तो फिर आप फॉर्म एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके भी उसको लिंक अप करवा सकते हैं। ये चीज़ मेरे लिए भी नई थी लेकिन इतनी अहम नहीं लग रही कि किसी जगह पे इस्तेमाल हो शायद वाली बात है। फॉर्म एक्शन एट विच वेरी द यू आर द फाइल दैट विल प्रोसेस द इनपुट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, एक्शन एट वेरी द फॉर्म, तो ये एक्शन तो इस्तेमाल करते हैं एक्शन पेज सबमिट सबमिट। अच्छा यहाँ पे दो सबमिट कर दिए हैं दो, तो अगर तो ये नॉर्मल सबमिट में करेंगे तो जो ऊपर ये सबमिट एक्शन मेंशन किया हुआ है फॉर्म एक्शन उस पे सबमिट करेगा, और अगर फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट मेंशन करेंगे तो ये इस पे सबमिट करेगा। ये भी बहरहाल मैंने इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन इंटरेस्टिंग ये चीज़ लग रही है। इसमें कुछ भी डमी वैल्यूज डालते हैं और देखते हैं, अभी शायद हमें ये फर्क नहीं नज़र आएगा क्योंकि अभी हमने सर्वर प्रोसेसिंग वाला पार्ट नहीं किया हुआ, इसमें डिफरेंस हमें शायद नज़र नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल ये अलग अलग फाइल्स में प्रोसेसिंग के लिए जाएगा अगर ये एक्चुअली ऐसे ही हो जिस तरह के यहाँ पे बताया गया है फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट की वजह से। तो इस चीज़ का मैं आपसे बीच में बात कर रहा था
इसकी इनक्रिप्ट टाइप एक होती है, तो जब फाइल्स आप अपलोड कर रहे होते हैं तो ये आपने मेंशन करनी होती है मल्टी पार्ट, अदरवाइज वो फाइल अपलोड नहीं होगी। फॉर्म इनक्रिप्ट टाइप सबमिट और इमेज दोनों के साथ काम करता है, तो इसके ऊपर भी हम मेंशन कर सकते हैं फॉर्म के अंदर भी, और ऐसे एट्रीब्यूट के तौर पे भी मेंशन किया जा सकता है इनपुट के अंदर। तो इसमें हम देखते हैं लेकिन यहाँ पे तो फाइल कंट्रोल तो है ही नहीं, चलें बैरल देखते हैं। और ऐसे सबमिट किया तो इनक्रिप्टेड होके डाटा सबमिट हुआ है। फिर फॉर्म मेथड का एट्रीब्यूट है, बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर हमारे गेट या पोस्ट मेथड हम मेंशन कर देते हैं फॉर्म के एट्रीब्यूट्स के अंदर ही, तो यहाँ पे इनपुट में भी शायद दे सकते होंगे जिससे कि लग रहा है फॉर्म मेथड पोस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड से सेंड करेगा जिस तरह की इस केस में, और वैसे भी अगर ये मेंशन नहीं किया होता तो तब भी गेट मेथड डिफ़ॉल्ट होता है, और यहाँ पे किसी वजह से आप उसमें पोस्ट के साथ भी करना चाह रहे हैं तो मेंशन कर सकते हैं। ये भी एट्रीब्यूट मैंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ लेकिन ये इंटरेस्टिंग लग रहा है और इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, बजाय इसके कि आप दो अलग अलग फॉर्म बनाएं, एक में गेट मेथड इस्तेमाल करें और एक में पोस्ट, और साइड बाय साइड डाले हों और यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कहें आप इस पर क्लिक करें या इस पर क्लिक करें, तो उसकी जगह ये दो बटन बना लेने ज़्यादा आसान मामला है। तो आगे चलते हैं, फॉर्म टारगेट ब्लैंक, नॉर्मली ये उसी पेज में सबमिट होता है, और अगर आप टारगेट इसका ब्लैंक देंगे तो ये नई टैब में सबमिट होगा, इसमें ये इसी में होगा और दूसरे केस में ये नई टैब में होना चाहिए। तो ये स्किप करते हैं, तो किसी वक्त आप वैलिडेशन नहीं करना चाहते, बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन होती है लेकिन किसी वक्त कोई ऐसी सूरत हाल है आप वैलिडेशन नहीं करना चाह रहे तो नो वैलिडेट, ये फंक्शन इस तरह सबमिट जिस तरह एक और ये बन गया है, तो इसमें ये अभी इसमें करेंगे तो ये सबमिट नहीं हो रहा, इस पे करेंगे तो सबमिट हो गया है एम्प्टी, और यहाँ पे हमने इसको रिक्वायर्ड लिखा हुआ था यानी इसको फिल करना लाजमी था, और फिल भी सही करना, ये नहीं कुछ गलत वैल्यूज डाल दी, क्योंकि तो गलत वैल्यूज होती तो वो इस टाइप की वजह से वो इस पे काम नहीं करने देता। तो यहाँ पे ये फॉर्म लेवल पे भी आप कर सकते हैं, नो वैलिडेट ऊपर ये एट्रीब्यूट दे सकते हैं इनपुट एट्रीब्यूट की जगह, फॉर्म लेवल एट्रीब्यूट आप नो वैलिडेट दें तो तब भी ये ऐसे ही करेगा कि वैलिडेशन नहीं करेगा, जिस तरह अगरचे हमने रिक्वायर्ड लिखा हुआ और ईमेल लिखी हुई है ये ऐसे ही जाने देगा और एबीसी को भी जाने देगा। बहरहाल फिर इस चीज़ का तो मकसद ही फोत हो जाता है ये टाइप शाइप मेंशन करने की, तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं लग रही क्योंकि ये ज़रूरत कब पड़ेगी पता नहीं। तो ये हमारा चैप्टर भी हो गया, और ये इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट इस पे काम करेंगे, तो वहाँ पे मैं चैप्टर्स मेंशन कर दूँ कि हमने लास्ट टाइम
ये वाला चैप्टर हमने किया है, यहाँ पे ये स्टार्ट और एंड हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि ये हम जो कोर्स कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, वैसे मेरी इस बात की तरजीह होती है कि कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हो। इस सारी रिकॉर्डिंग का मेन मरकजी मकसद यही है कि जो लोग ये चीज़ें सीख रहे हैं, कर रहे हैं और कहीं पे स्टक हो जाते हैं, तो वो पूछें क्वेश्चन और वो फिर अपने जहाँ पे स्टक हुए हैं उससे आगे स्टार्ट करें। लेकिन ज्वाइन किसी ने नहीं किया, तो ठीक है, फिर हम इस पार्ट को स्किप करते हैं और अगले पार्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें यह है कि हम कुछ न कुछ आईटी टेक्नोलॉजी समथिंग किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, और खसूसन जिन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ और उस पे मैं फिर बात कोई कर भी सकता हूँ। तो इस सिलसिले में मेरे पास कुछ बताने के लिए है, तो उसमें मैं वर्चुअल बॉक्स जो है वो स्टार्ट करता हूँ, और इसमें मैं मेंशन भी करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास अपडेट है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ PRP OS को, और ये मेरे पास एक अपडेट है। ये रिसेंटली मैंने रिलीज़ किया है ERP OS, और टाइम मैं इसका मेंशन करता हूँ, 27 मिनट तकरीबन, 27 मिनट पे स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये डेस्कटॉप पे ISO पड़ी हुई है फाइल, और ये अगर आप परचेज करना चाहें तो मेरी साइट eSite.pk पे जाके ये परचेज कर सकते हैं। इसमें आपके दो ERP सॉफ्टवेयर इसमें कॉन्फ़िगर हुए हुए हैं कंप्लीट, जस्ट आपने ये ISO वर्चुअल बॉक्स में या DVD या CD पे राइट करके और इसको आप बूट करेंगे कंप्यूटर से। इससे USB अगर आप बूटेबल बना लेते हैं इस ISO से या DVD, तो फिर उससे आप इंस्टॉलेशन करें। इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन के आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। नेट भी आ गया है तो मैं चेक करता हूँ अगर ये वर्किंग में है, और यस नेट वर्किंग में है, इस वजह से हमारे ये सेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बिलफर्ज अगर फ़र्क पड़ता भी तो कोई देखने वाला था भी नहीं, नो प्रॉब्लम। तो वैसे ये कि हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का इंटरनेट कनेक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है, तो इनडायरेक्ट फ़र्क पड़ जाता है। जैसे मैंने अब साइट कोई ब्राउज़ करनी है और लोकली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर काम नहीं चल सकता, तो मोबाइल डाटा से मेरा अभी हट गया है काम। तो यहाँ पे आप देखें तो मेरी जो रीसेंट प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको ये आपको प्रोडक्ट मिलेगी, इसको आप परचेज कर सकते हैं, और अभी आगे मैं इसके आपको इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ कि किस तरह इसे हम मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ, और ये आप समझें कि जिस तरह आप नॉर्मली कंप्यूटर बूट करते हैं, तो शुरू में आपके पास के F12 होता है, की होती है इसमें बूट मेन्यू देखने के लिए बास की,
F2 हो सकती है, किसी की एस्केप हो सकती है, किसी की F10 या F9 हो सकती है, तो डिपेंड करता है आप कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ISO फाइल, आप एक DVD पे राइट कर सकते हैं या USB पे राइट कर सकते हैं, उससे आपने फिर बूट करना है। तो जैसे अब मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ कि ये इस DVD से बूट करे, तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन उसका पाथ बता देता हूँ, इमेज का, मैं इमेज को ऐड करता हूँ, डेस्कटॉप पे है और ये डेस्कटॉप से ऐड किया, और ये पुराने इमेजेस इसको मैं रिमूव कर दूँ, रिमूव की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, बहरहाल इसको मैं भी स्किप करता हूँ। तो ये मैं इसको चूज़ कर लिया और यहाँ पे मैंने सी प्रेस किया और ताकि ये इससे बूट करे। तो ये अभी इसमें ये शो कर रहा है कि ये इमेज बूट हो गया, यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे आपका नॉर्मली कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, थोड़ा सा देर लगती है, चंद मिनट लग सकते हैं मिनट्स, लेकिन अमूमन आपका विद इन अ मिनट आपकी ये बूटिंग हो जाती है। तो फिर आप इसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं ERP OS को। तो इसके साथ ये फ़ायदा है कि आपके दो ERP सिस्टम कन्फिगर हुए हुए इस पे इंस्टॉल हो जाएंगे। और अभी ये हम इसमें क्विकली इसको इंस्टॉल करके देख भी लेते हैं, क्योंकि ये मैंने अपनी साइट से इमेज डाउनलोड किया है और इसको मैंने टेस्ट भी करना था कि ये वर्किंग इमेज है, कि कल कला अगर कोई यूज़र ये परचेज़ करता है, डाउनलोड अपने एंड पे करता है, तो वो ठीक है या नहीं। तो एक तो इसकी चीज़ थी कि इसके चेकसम फाइल मैंने वो भी चेक कर ली है, वो इसके एग्जैक्ट वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो ऑनलाइन हमने इसकी सेव की हुई है, और डाउनलोड जो हुई है वो सेम हुई है। तो उस चेकसम से ये फ़ायदा हो जाता है। तो इसमें जो पासवर्ड जो अक्सर जगह पे है वो है esite.pk है। तो वैसे तो ये लाइव सेशन में भी इसको चलना चाहिए, लेकिन किसी वजह से लाइव सेशन में ये ERP OS ये दोनों जो हैं ये नहीं चल रहे। ये जो दोनों मैंने इसमें ERP इंस्टॉल किए हैं, ये दोनों नहीं चल रहे। तो बहरहाल आप अपनी USB या DVD से बूट कर लेते हैं, या वर्चुअल बॉक्स में चलाते हैं, तो डेस्कटॉप आपके सामने आ गया है। यहाँ पे आपके पास इंस्टॉलेशन की वीडियो है, इसमें तफसील बताई गई है किस तरह इंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं, और उर्दू में ही ये फ़िलहाल इसमें जो मैंने किया बताई है। अगर आप उर्दू में मसला है तो ये फिर एक इंग्लिश में डॉक्यूमेंट यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, इससे आप फॉलो करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए हमें इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में भी हमने ये मेंशन किया हुआ है कि सिस्टम कॉपी पे क्लिक करना है। अभी जो मेरे पास केस है, ये तो वर्चुअल बॉक्स की डिस्क है, तो इसमें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे ये फॉर्मेट हो डिलीट हो, लेकिन आपका केस ये है कि आपके अपने कंप्यूटर की ड्राइव होगी तो वो अहमियत डाटा रखता होगा। तो वो फिर सारी आप ये वीडियो देख लें, इसमें तफसील बताई हुई है क्या क्या चीज़ें अहम हैं, या इस डॉक्यूमेंटेशन में भी थोड़ा सा बताया हुआ है। तो अब मैं अभी इसमें असल में जल्दी जल्दी करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ड्राइव सेलेक्ट की है जहाँ पे इंस्टॉलेशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स की ये ड्राइव है तो इसमें इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है मेरे लिए। डाटा रिमूव हो रहा है तो होता रहे, क्योंकि मैंने ये टेस्टिंग के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर बनाया है टेस्टिंग के लिए। तो चलें, इतनी देर ये इंस्टॉलेशन में लगाएगा, इतनी देर में हम कुछ और चीज़ करते हैं, इसमें वापस आएंगे, और ऑलमोस्ट मेरे पास टाइम भी है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की हुई थी कि 10 से 12 बजे तक सेशन ये होगा, तो ये ऑलमोस्ट 2 घंटे बन जाएंगे। तो फिर इसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगा यूट्यूब पर,
तो अभी मैं इसमें आपको थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ, और उम्मीद है कि ये जल्दी इंस्टॉल होगा क्योंकि ये वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल हो रहा है। लेकिन ये उसमें आपकी फिर डिस्क की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, डिस्क की जितनी स्पीड अच्छी होगी उतने ये अच्छा काम करेगा। तो अगर आपके पास SSD डिस्क लगी हुई और जल्दी इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ से अब स्पीड का भी लग रहा है कि कुछ मसला चल रहा है, स्पीड इतनी अच्छी नहीं आ रही। इसी तरह ये ERP सॉफ्टवेयर के अलावा यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल की भी DVDs हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है, कुछ मैंने इसमें स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं और नीचे जो इंस्टॉलेशन वीडियो है उसका भी लिंक दिया हुआ है, जो कि उसी की मैंने कॉपी डेस्कटॉप पे भी रखी है यहाँ पे, जो भी वर्चुअल बॉक्स में ये इंस्टॉल हो रहा है इसके। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन है, ये इंस्टॉलेशन वीडियो और ये इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट। तो इसे मैं इंशाल्लाह ताला अपने जो दराज का मेरा जो पेज है उस पे भी इरादा है इसको अपलोड करने का इरादा है। अब देखें कब मौका मिलता है। और दराज पे ये मेरी शॉप का एड्रेस है, draz.pk/shop/roshantech। तो अभी तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल और मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ये ERP जो सिस्टम है इसको भी मैं अपलोड कर दूं। लेकिन पहले ये कि मैं इसकी DVDs अपने पास जब बनवा लूँगा तो तब मैं यहाँ पे वो DVDs वाली ऑप्शन डालूँगा। अभी मेरे पास ऑप्शन जो है ISO फॉर्मेट है, जिसको डाउनलोड ऑनलाइन करना पड़ता है, और इसमें साइज़ का ज़्यादा है, 3.4 GB है। अगर तो आपके पास इंटरनेट अच्छा है, 8 MB या 10 MB इस टाइप का है, तो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो ये चंद घंटों में हो सकता है। लेकिन स्पीड अगर आपके पास कम है तो फिर DVD एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन फिर DVD में यह कि चंद दिन आपके लग सकते हैं DVD पहुंचने में। पेज सही तरह लोड नहीं हुआ है, लेकिन ये नीचे आपके प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। कुछ एक बच्चों के लिए गेमिंग DVD, गेमिंग USB बनाई थी वो है, एक मल्टी बूट लाइव USB बनाई थी, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइव बूट USB ये बनाई थी। और इसमें फिर दो DVDs हैं, एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर वर्जन 1 की और एक पॉइंट ऑफ सेल वर्जन 2 की। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। स्पीड स्लो हो गई है क्योंकि यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, और जितनी देर ये इंस्टॉलेशन होती है तो मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता हूँ।
कॉपी ऑपरेशन से स्पीड स्लो हो गई है। और यहाँ पे ये एक बेसिकली एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। एक हमारे पास लिनक्स कर्नल होता है जो कि बहुत बेसिक लेवल का सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर होती है, और एक हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो उससे मुराद एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपके जो बुनियादी टूल्स हैं वो उसमें सारे प्री इंस्टॉल्ड हैं। जिस तरह के ये ब्राउज़र है, क्रोमियम ब्राउज़र मैंने इस पर इंस्टॉल किया हुआ है, फायरफॉक्स भी है, और क्रोमियम ब्राउज़र वही है जिस पर बेस करके गूगल क्रोम और दूसरे ब्राउज़र बने हैं। और यहाँ पे फाइल मैनेजर है नॉर्मल, जो आपने फाइल्स ब्राउज़ करनी है, अगर कोई वीडियो देखनी है, आपके पास डाउनलोड पड़ी हुई है या आपने कंप्यूटर से कॉपी की है किसी, इसी तरह फाइल्स हैं आपकी, वो आप देख सकते हैं, ऑफिस की फाइल्स हैं या प्रोग्रामिंग की फाइल्स हैं। तो ये इसका स्टार्ट मेन्यू है। जैसे आपका विंडोज़ में स्टार्ट मेन्यू होता है, तो उसमें कुछ चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड हैं जिनको मैंने ज़्यादातर चीज़ों को नहीं छेड़ा है, जो बिल्ड इन चीज़ें हैं उनको वैसे ही रहने दिया है। और इसमें गूगल, इसमें जो क्रोमियम ब्राउज़र है अलबत्ता इंस्टॉल किया है। तो कुछ जैसे बेसिक से टूल्स हैं, ये आर्काइव बनानी है, करेक्टर मैप डिस्प्ले करना है, जो हार्ड डिस्क है उसकी ये लिस्ट कर देता है चीज़ें, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ जाता है, ये आपका नोट पैड या टेक्स्ट एडिटर है। और ग्राफिक्स में आपका पीडीएफ को रीड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, और इंटरनेट पे दो तो ये ब्राउज़र हो गए हैं। फिर आपने चैटिंग करनी है तो ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आपने अगर टॉरेंट से फाइल्स डाउनलोड करनी है, टॉरेंट आप इस्तेमाल करते हैं, बिट टॉरेंट टेक्नोलॉजी, तो ये सॉफ्टवेयर इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, आपको कोई और स्पेशल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। फिर इसमें जो ऑफिस आपका है उसमें बेसिक लेवल का, इसमें ये ऑफिस है और बेसिक लेवल का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। आप अगर फुल फ्लेज ऑफिस करना चाहें तो लिब्रे ऑफिस के नाम से इसमें है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें किस तरह आप एक इसमें जो टूल है उसको इस्तेमाल करते हुए और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑडियो वीडियो आप इसमें ये कर सकते हैं ये, और अगर आपने इस तरह लाइव रिकॉर्डिंग करनी है जिस तरह के अभी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसमें अपनी तस्वीर अगर आपने वीडियो दिखानी है तो ये GUVC View ये सॉफ्टवेयर है, इससे क्लिक करेंगे तो ये आपका कैमरा जो है उसको वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पे आपको सामने एक छोटी सी विंडो बना देगा, उसमें दिखाना शुरू कर देगा। तो बाकी इसको ये लबुंटो बेस्ड है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इसके अपने इसमें कुछ ये टूल्स हैं, सिस्टम टूल्स, फिर इसमें प्रेफरेंसेस अगर आपने कुछ चेंज करने हैं वगैरह वो कर सकते हैं। इसकी बैटरी कम है और मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूँ, बल्कि मुझे पहले ही चार्जिंग पे लगा देना चाहिए था क्योंकि उसमें फिर स्पीड आपके अमूमन तेज़ होती है और बैटरीज पे स्लो चल रहा होता है। तो इसमें जो एक सॉफ्टवेयर आपके पास यहाँ पे, ये सॉफ्टवेयर के नाम से सॉफ्टवेयर है, इसमें जाके आप ऐड और रिमूव सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। और वैसे अपडेटर जो है वो तो ऑटोमेटिकली आपका पॉपअप अक्सर कर देता है, अभी इसने पॉपअप नहीं किया पता नहीं, वैसे अक्सर ये मैं ओपन करता हूँ तो ये पॉपअप यहाँ पे कर देता है। बाकी इसको मैंने ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं किया है, इसकी निस्बत जो मैंने पॉइंट ऑफ सेल का जो OS बनाया था उसको मैंने ज़्यादा कस्टमाइज़ किया था, उसमें बल्कि उर्दू लिखने की मैंने जो सपोर्ट है वो भी शामिल की थी।
तो इसके साथ मैंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। और यहाँ पे जो ये ईआरपी है, ये एक फुल फ्लैज ओपन सोर्स ईआरपी है। इसमें आपको फुल पैकेज आपको इसका मिलता है सॉफ्टवेयर का, जिसमें आप इसको मेडिकल के शोबे में इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल अगर आपकी रिटेल की शॉप है तो इसमें पॉइंट ऑफ सेल भी सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है। फिर आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और अगर आपके पास एनजीओ है उस टाइप की भी इसमें ऑप्शन मौजूद है, और एग्रीकल्चर के हवाले से भी कुछ इसमें टूल्स मौजूद हैं एग्रीकल्चर के अगर आप सेक्टर में हैं तो। बाकी मैं इस सॉफ्टवेयर को ख़ुद भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और इसमें मैंने लोकल इधर मार्केट में इसकी कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी है, तो इसको मैं सीख भी रहा हूँ इस्तेमाल इसका। बाकी ये इंस्टॉलेशन और इसकी हद तक तो मैंने ये काम किया, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया है इसी मकसद से। बाकी इसकी जो आगे चीज़ें हैं उस पर मैंने काम करना है। डेवलपमेंट का मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है, इसमें डेवलपमेंट कैसे हो रही है। पॉइंट ऑफ सेल की डेवलपमेंट में मैंने काम किया है, उसमें मैं एडिटिंग कर सकता हूँ अगर कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है रिपोर्ट की। तो ये है भी, ये पाइथन में इसमें डेवलपमेंट हुई हुई है, तो मुझे उस वजह से भी इतना इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो ईआरपी है ये पार्शियल आप कह सकते हैं कि सोल्यूशन है, कि इसमें कुछ इन्होंने टूल्स फ्री दिए हुए हैं और कुछ टूल्स जो हैं वो पेड हैं। तो इसमें फिर ये होता है कि आपकी बेसिक लेवल का काम तो आप कर लेते हैं, बाकी फिर अगर आपने फुल फ्लैच करना है फिर आपको पेड टूल्स लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मुझे इसमें ये चीज़ इसकी एक मनफी लगी है। हालांकि दोनों सॉफ्टवेयर्स के जो रिव्यू हैं उसमें ये सॉफ्टवेयर जो है इसको ज़्यादा बड़ा समझा जाता है। तो बाकी इसके ऑनलाइन इसके जो जितने भी ऑफिशियल फ्री एप्स के जो मॉड्यूल्स थे वो सारे के सारे मैंने इसमें इंस्टॉल किए हुए, यानी कि आपको प्री इंस्टॉल मिलेंगे। बाकी और ऑनलाइन भी आपको इसकी एप्स फ्री एप्स मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलती हैं, लेकिन अभी मैंने उन पे काम नहीं किया है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप इजीली डाउनलोड करें इसकी ऐप, इसके एक ख़ास लोकेशन है फोल्डर की, वहाँ पे कॉपी करें और सॉफ्टवेयर को चलाएं, तो आपको ये उसको इंस्टॉल करने की सहूलत देगा। सिस्टम इंस्टॉलेशन की वजह से, इसकी जो इंस्टॉलेशन हो रही है उसकी वजह से स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है, और इसका मतलब यह है कि डिस्क ये बहुत अच्छी नहीं है। पहले मेरे पास एसएसडी डिस्क लगी हुई थी, तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि वो ऐसे बहुत जल्दी जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाती थी। तो अभी ये नॉर्मल एक डिस्क लगी हुई है, तो इसमें ये मुझे मसला आ रहा है कि जब भी ये कॉपी ऑपरेशन होता है तो सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है। तो वैसे मैं जो यूज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू कराता हूँ जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। ये लिनक्स मेंट मेटे के नाम से है, और इसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 20, ये मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इंस्टॉलेशन तो चल रही है, लेकिन मेरा अब टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। जो मैंने कहा था कि ये 10 से 12 बजे तक सेशन करूँगा मैं, तो अपने एंड पे मैं इसकी बाकी ये जो इंस्टॉलेशन वाला ये काम हो रहा है इसको मैं अपने एंड पे टेस्टिंग कर लूँगा, क्योंकि वैसे भी मैंने इसकी टेस्टिंग करनी थी कि
अगर कोई डाउनलोड करता है तो उसको वही इमेज एग्जैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वजह से फिर मैं इस प्रोसेस को मैं रोकता हूँ, इसको मैं पॉज कर देता हूँ और बाद में मैं इसको चेक कर लूँगा। तो बाकी जो फिर रिव्यू, मैं सोच रहा था कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा आपको रिव्यू करवाता, लेकिन वो फिर मैं प्रोग्राम पोस्टपोन कर लेता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।